वेलकम फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब प्लेसमेंट मुकेश कुमार में जॉब प्लेसमेंट चैनल के माध्यम से आप एजुकेशन की कोई भी लेटेस्ट खबर होती है वो सबसे पहले यदि जानना चाहते हैं तो बगल वाले बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर दें इसके साथ ही जो चैनल में नए हों तो नीचे दी गए से चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको पल पल की अपडेट प्राप्त हो सकेगी तो फ्रेंड्स मैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताने वाला हूँ जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हो इस बार जो यू जी यानी स्नातक और स्नातकोत्तक की जो फ्रेंड्स ओपन बुक सिस्टम से परीक्षा होने वाली है जिसके संबंध में फ्रेंड्स इस समय हर यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो प्रोफाइल बनाई जा रही है उसकी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ तो एस आई एस क्या है इसका मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम या इसका पूरा फॉर्म होता है जिसमें फ्रेंड स्टूडेंट अपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा पूरी प्रोफाइल तैयार करता है इसमें फ्रेंड्स इस प्रोफाइल के माध्यम से ही फ्रेंड्स स्टूडेंट की पूरी जानकारी यूनिवर्सिटी में अपडेट की जाती है तो फ्रेंड्स इसका हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे कहाँ से प्रोफाइल को बनाएंगे देखें पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है क्योंकि फ्रेंड्स सत्य दो हज़ार उन्नीस और बीस में जो ओपन बुक है सिस्टम से परीक्षा की जानी है तो फ्रेंड्स यदि जिस स्टूडेंट की फ्रेंड्स है ये प्रोफाइल आई नहीं है तो उसके पास कोई ना तो मैसेज चाहेगा ना ही फ्रेंड्स परीक्षा की कोई भी जानकारी मिल सकती है क्योंकि फ्रेंड्स इस प्रोफाइल के माध्यम से ही फ्रेंड्स जो आपके ओपन बुक का सिस्टम का परीक्षा होगा उसका प्रश्न पत्र भी आपकी इसी प्रोफाइल पर

बी यू एस आई एस को फ्रेंड्स लिख कर इंटर करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आप देख रहे हो एम सी बी यू यूनिवर्सिटी का जो फ्रेंड्स ओपन होम पेज है वो इधर से ओपन हो जाएगा जिसमें आप देख रहे हो हर प्रकार की जानकारी आपके सामने आने वाली है जिसमें स्पष्ट आप देख रहे हो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी एस आई एस रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर एम सी बी यू यूनिवर्सिटी सच आप इनरोमेंट नंबर और इंटर फ्रेंड्स है डी ओ बी और पासवर्ड के माध्यम से इसे हम बना सकते हैं तो इधर फ्रेंड हम इस तरीके से इंटर करते हैं जैसे ही फ्रेंड्स हम इंटर करेंगे तो यूनिवर्सिटी का आपके सामने फॉम पेज ओपन हो जाएगा जिस तरीके से आप देख रहे हो इधर महाराजा छत साल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतारपुर ओपन हो गई है एम ऑनलाइन के माध्यम से भी फ्रेंड्स हम इसको कर सकते हैं जिसकी कॉस्ट भी मैं आपको बता दूँ कॉस्ट केवल इसकी क्या है बीस जैसा कि आप देख लो बीस रुपये इसकी क्या है केवल फीस होगी ऑनलाइन आप फीस फीस रुपये दे सकते हैं साथ ही आप मोबाइल के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिसकी भी फ्रेंड्स आपको फीस डिपोजिट करनी होगी तभी यह रजिस्ट्रेशन मान्य होगा नहीं तो फ्रेंड्स यह रिजेक्ट ऑटोमेटिक हो सकता है तो इधर फ्रेंड्स आपको क्या करना है मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ इधर आपको एनरोलमेंट यानी नामांकन की मांग लिखना है नामांकन की मांग इधर दर्ज करते हैं और इधर आपको क्या करना है अपना डी O B. ओ बी इधर डी ओ बी यानी डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है फॉर्मेट में इधर आपको क्या करना है कैप्चर कैप्चर कोड डालने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या कर देना है इधर हमें क्या सर्च इंटर्ट पर जाते हैं जैसे ही हम सर्च करते हैं तो आपके सामने आपकी क्या है प्रोफाइल ओपन हो जाएगी जो आप जहाँ जै जिस, जैसे स्नातक में है तो स्नातक में हो जाएगी आपका यू जी अंडर ग्रेजुएसन पोस्ट ग्रेजुएशन अंतिम बस जो भी है आपका वो ओपन हो जाएगी तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको फ्रेंड्स से पूरी पी डी एफ प्रोफाइल बता रहा हूँ आगे देखते हैं इस तरीके से फ्रेंड्स आपको क्या है जिस तरीके से फ्रेंड्स आप इनमेंट डालते हैं और डी ओ बी डालते हैं और सर्च को करते हैं तो आपके सामने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर स्टूडेंट की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी तो आपके सामने इस तरीके से क्या है ओपन विंडो हो जाएगी जिसमें आप देख रहे हो मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं जिसमें आपका क्या है इनरोलमेंट आपके पास आई डी होना चाहिए यानी नामांकन की मांग होना चाहिए नामांकन की मांग है उसके बाद है, फ्रेंस है नामांकन की मांग के बाद आपके पास है नामांकन और इधर आपको पासवर्ड जो फ्रेंड्स बनाना है वो मैं आपको बता दूं पासवर्ड किस तरीके से किस लेटर में बनाते हैं पहला आपका सिम्बल होगा यानी क्या स्मॉल लेटर का होगा उसके बाद आपका है वन कैप कैप्टल लेटर होगा फिर आपका नंबर होगा यानी पहले स्मॉल करना है फिर कैपिटल करना है और वन नंबर यानी न्यूमेरिकल आपको क्या है बनाना है इस तरीके से हमें क्या है पासवर्ड तैयार कर लेते हैं और आपको ई मेल की फ्रेंड्स ज़रूरत होगी तो ई मेल भी फ्रेंड्स आपको चाहिए जैसा कि आप देख रहे हो ई मेल आपके पास होना चाहिए और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए इसकी क्या है इस प्रोफाइल बनाने के लिए आपकी ज़रूरत है यानी तीन पॉइंट मैं आपको बता दूँ पहला आपका क्या है इधर मोबाइल नंबर होना चाहिए ठीक है ईमेल आईडी होना चाहिए तो दोनों का आप उपयोग कर सकते हो तभी जाकर आपकी प्रोफाइल क्या है तैयार होगी प्रोफाइल तैयार में आपका फ्रेंड्स इस तरीके से जानकारी उसमें क्या है आपका नाम आ जाएगा आपका सेंटर कोड आ जाएगा जहाँ से आप कर रहे हो कौन सी डिग्री कर रहे हो इनरोटमेंट आ जाएगा आपको इधर क्या है मोबाइल नंबर इंटर करना है मैं आपको बता दूं इस तरीके से इधर हमें क्या है मोबाइल नंबर डालना है इधर ईमेल आईडी डालना है इधर कैप्चर पासवर्ड आपको क्या है चॉइस पासवर्ड डालना है जो जिस तरीके से मैंने अभी आपको इंटरफेस में बताया है इधर आपको आधार कार्ड डालना है इधर आपका ब्लड ग्रुप डरेगा इधर आपकी सिटी ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी और आपको इस तरीके से फिर सबमिट बटन पर हम जाएंगे जैसे ही सबमिट बटन कर जाएंगे तो आपके सामने इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी जैसा कि आपकी प्रोफाइल क्या है तैयार हो चुकी है और फिर आपकी क्या है फीस डिपोजिट होगी जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से विंडो हो जाएगी इधर से फिर हम फ्रेंड री चेक कर सकते हैं लॉगिन पर जाकर लॉगिन पर जाकर जैसे ही हम री करते हैं तो आप इस तरीके से आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगी उसके आधार पर ही हम क्या करेंगे अपना लॉगिन कर लेंगे यूज़र आईडी में आपका नेम हो सकता है और पासवर्ड जो आपको बनाया है वो है इस तरीके से हम क्या है कस्टम आईडी और इंफॉर्मेशन के आधार पर हम क्या अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लेते हैं तो फ्रेंड इसके द्वारा इस बार जो है एग्ज़ाम आपको ओपन बुक के माध्यम से करना है तो एग्जाम्पल के तौर पर फ्रेंड्स मैंने यह आपको पूरा पी के माध्यम से समझा दिया है इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा जिसके आधार पर आप सिस्टम बाई सिस्टम समझ सकते हैं वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और अधिक से अधिक स्टूडेंटों के पास पहुँचाने का प्रयास करें धन्यवाद फ्रेंड्स